अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद शर फ्रॉम एमडी अपडेट्स। और इस वक्त जो है मैं आपको नेवी सोसाइटी जो है अगर फाटक से थोड़ा आगे उतर के पोर्ट कासिम के साथ है, ये उस हवाले से मैं आपको एक डिटेल दे रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि उसके हवाले से आप थोड़ा वीडियो वगैरह बनाएं, तो उनसे मैंने जब जाके बात की और डिटेल वगैरह ली। ये मेन नेशनल हाईवे की यहाँ से इनकी एंट्रेंस है, रास्ता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर जो है सोसाइटी बनी हुई है, बहुत बेहतरीन और फैमिली के हिसाब से, रहाइश के हिसाब से अच्छे एनवायरनमेंट में और पुरसकून सोसाइटी है। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है 120 गज़, 180 और 240 गज़। तो इस वक्त अगर रेंट आउट वगैरह भी जो है वो थोड़ा बंद है, ट्रांसफ़र वगैरह 1-2 मंथ के लिए, तो उसके हवाले से अगर वैसे बात की जाए 120 गज़ के घर की, यहाँ पर 120 गज़ का घर जो है वो 60 लाख रुपीज़ का है। और उसके बाद जो है 180 का जो घर है वो 75 to 80 लाख रुपीस का है, लेकिन इस वक्त ट्रांसफ़र उसका बंद है। अभी जो काम थोड़ा बहुत हो रहा है वो एग्रीमेंट के तौर पे जो है सेल वगैरह घर परचेजिंग हो रही है, और उसके बाद ये इसका जो है 240 का है वो 140 और 130 के करीब है, 240 गज़ का जो बैंगलो है इनका। और यहाँ पे जो अलाव है 1+ ग्राउंड +1 यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे रोड और इन्वायरमेंट, फैमिलीज़ काफ़ी यहाँ पे रह रही हैं, मार्केट्स वगैरह, और इजीली आपको जो है स्कूलों का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे इंटर तक स्कूल्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहरिया मॉडल स्कूल है, बहरिया मॉडल कॉलेज है उनके। और उसके बाद जो है ये साइड का इसका व्यू है। सिक्योरिटी के हिसाब से तो आपको आइडिया है कि नेवी सोसाइटी है, नेवी की है, तो सिक्योरिटी का कोई खर्चा है नहीं, लेकिन रोड वगैरह एनवायरनमेंट एक पीसफुल है, पार्किंग एरिया है आपको, वैसे फैमिलीज़ के लिए पार्क हैं, मस्जिद हैं, तो जो लोग भी यहाँ पे ख़रीदना चाह रहे हो घर या कोई रेंट आउट के लिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसका जो ट्रांसफ़र है वो फ़िलहाल बंद है। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन से काफ़ी व्यू मैंने आपको करवाए हैं यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन उनकी 120 गज़ की और 180 गज़ की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके हवाले से मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ये सामने जो बने हुए हैं 240 गज़ वाले हैं, ये इधर जो हैं सिर्फ 180 वाले हैं, और उसके बाद 120 वाले घर हैं। नाले वगैरह बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पे, बेहतरीन इन्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फैमिलीज़ के रहने के हवाले से, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी हुई है। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है रास्ते वगैरह बन रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतरीन है, पानी यहाँ पर मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया, लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ तो अभी रोड वगैरह नहीं बने, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो उस हवाले से ये चीज़ें अभी जो है वो रहती हैं। लेकिन बात की जाए सोसाइटी के एनवायरनमेंट की, सोसाइटी में सेफ्टी कितनी है, एजुकेशन के हवाले से स्कूल्स वगैरह फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो आप इजीली यहाँ पे पुरसकून रह सकते हैं जो पोर्ट कासिम के करीब हैं, जो घर लेना चाह रहे हो तो उस हवाले से कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें अच्छी है, तो आप लोग यहाँ पर आएँ, आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। तो ये स्कीम लोकेटेड जो है, मैं आपको बताता हुआ चलूँ अगेन कि इसकी लोकेशन जो है वो पोर्ट गुशनदी से आगे जाते हैं, टूल प्लाजा आता है, टूल प्लाजा से आगे आते गगर फाटक की पुल उतरते आगे जाके 0.5 किलोमीटर पर इसका जो है वो है पूरा। तो ये इसका जो है पूरा व्यू है, मैं आपको इसका पूरा व्यू करवा रहा हूँ, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट या उसके हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो उस हवाले से जो है आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी एंट्रेंसेस हैं, सब चीज़ें, फैसिलिटीज़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे जो बंदे को रहने के लिए चाहिए होती हैं। तो आप आएँ, आप विज़िट कर सकते हैं, परचेज़ के हवाले से आप कभी भी आ सकते हैं। ये इसका मैंने आपको रोड वगैरह को उनकी जो है ड्राइव है वो पूरी करवा दी है। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।